व्याख्या सरल क्यों लगा है विशेषण, घाटी तो घाटी ही है, बैठ घाटी घाटी ही है। फिर ठीक, उत्पत्ति के 9 प्रकार होते हैं, ठीक है, 10वां कोई प्रकार नहीं हो सकता। सरल की बात हम नहीं कहेंगे, जो वस्तु स्थिति है वो बताएंगे, वो सरल हो तो कठिन हो तो क्या। औरों को गणित बहुत कठिन लगता है, मुझे गणित बहुत सरल लगता है। अभ्यासा द्रमते यत्र, ठीक है, जिस अभ्यास के द्वारा व्यक्ति के मन में वस्तु के प्रति राग उत्पन्न होता है, जब राग उत्पन्न हो जाता है कठिन वस्तु भी सुगम हो जाती है। औरों को विज्ञान बहुत कठिन लगता है, हमको बहुत सरल। औरों को गणित बहुत कठिन लगता है, हमको बहुत सरल। औरों को दर्शन बहुत कठिन लगता है, हमको बहुत सरल। नौ होते हैं उत्पत्ति के प्रकार, नौ में किसी ढंग से उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, लेकिन सृष्टि दिखाई पड़ती है। प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं कर सकते, रस्सी में सर्प दिखाई पड़े, सीपी में चांदी, देखने मात्र से उसकी सत्ता तो सिद्ध ही हो गई। चाहे वो प्रातिभाषिकी कोटि की वस्तु हो, कोई वस्तु दृष्टिगोचर है तो उसकी सत्ता माननी पड़ेगी। बंध्यापुत्र कभी भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है, उसकी सत्ता कभी नहीं मान सकते हैं। उत्पत्ति के 9 प्रकार होते हैं, सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति, 3 असत से सत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति, सदसत से सत की उत्पत्ति, सदसत से असत की उत्पत्ति, सदसत से सदसत की उत्पत्ति। 9 प्रकार से उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, लेकिन सृष्टि सर पे चढ़ के नाचती है, इसलिए अनिर्वचनीय है। के सब कहीं ना जाए का कहिए, इसको सत पर रखें या सत पर रखें या सद सत पर रखें। भागवत में सृष्टि को सद सत कहा गया है, वो अपनी एक विधा है। भागवत में अनिर्वचनीय शब्द के स्थान पर अधिकतर सद सत, एकादश स्कंद आदि में सद सत जगत को, दूसरा स्कंद सद सत सृष्टि का सद सत। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर असत, दृष्टिगोचर अर्थक क्रियाकारिता के कारण सत, सद सत भी सृष्टि को कहा गया। भागवत की अपनी एक प्रक्रिया है निराली, वो प्रक्रिया भी उचित है विवक्षावसत। अजातवाद का अर्थ होता है जन्म के, जो तात्विक ढंग से विचार करने पर 9 प्रकार हो सकते हैं, एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता, फिर भी जगत सर पे नाचता है, दृष्टि के सामने नाचता है, इसलिए इसका अर्थ है कि अनिर्वचनीय। ना होने पर भी जिस रूप में ना हो उस रूप में उसकी प्रतीति, अनिर्वचनीय माने जिस रूप में ना हो उस रूप में उसकी प्रतीति। रस्सी में सर्प, सर्प रूप में नहीं है लेकिन प्रतीति, ठीक है। भगवत तत्व ही, परमात्म तत्व ही सृष्टि के रूप में उद्भासित है, यही अजातवाद का अर्थ। दर्शन रूप का, बोध स्वरूप का, दर्शन तांबे के पात्र का, बोध तांबे का, ये हो गया। और कुछ